किसान भाइयों, सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन के ऊपर 75% सब्सिडी मिलती है, लेकिन फॉर्म भरते टाइम पर किसान भाई काफ़ी बार बड़ी गलतियां करता है, क्योंकि उसको जानकारी का अभाव रहता है, पूरी जानकारी नहीं होती, ज़्यादातर किसान इस बारे में नहीं जानते। तो इस वीडियो में प्रॉपर हम जानकारी लेंगे कि एसी और डीसी मोटर में क्या डिफरेंस होता है, आपको कौन सी लेनी चाहिए, कंट्रोलर जो नॉर्मल कंट्रोलर आता है, यूनिवर्सल आता है, तो कौन से का क्या काम रहता है, कौन सा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, अगर वाटर लेवल आपका कम है या फिर ज़्यादा नीचे है तो आपको किस टाइप का सेटअप लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास में, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों के पास में पुराना बोर है, तो क्या आपको नया बोर करना पड़ेगा, तो पूरे की पूरी एक जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखना, पक्का आपसे इसको 100% इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। सबसे पहले ये बताइए, ये जो वाटर पम्प चल रहा है ये कितने HP का प्रेशर है पीछे? नमस्कार साथियों, ये 7.5 HP का पंप लगा हुआ है, डीसी पंप है। तो आपने डीसी पंप का जिक्र किया, एक आता है एसी पंप, एक आता है डीसी पंप, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कि कौन से किसान को कौन सा लेना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से समझाइए। ये एसी और डीसी दो तरीके के पंप होते हैं, इसमें एसी अल्टरनेट करंट होता है, लेकिन एसी के कंपैरिजन में डीसी ज्यादा पानी देता है, इसको कम धूप में भी ये चल पड़ता है, डायरेक्ट करंट होता है, जिस वजह से ये जल्दी सुबह जल्दी चालू होता है और लेट तक चलता है। अगर कंपैरिजन करें एसी से तो एसी थोड़ा लेट चालू होता है, क्योंकि अल्टरनेट करंट होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और अच्छा। फिर बाद में स्टार्ट होता है, जिस वजह से वो शुरुआत में लेट चालू होता है। ठीक है जी, ये हमने बात की एसी और डीसी का डिफरेंस क्या रहेगा। डीसी में पानी ज्यादा मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट करंट तो मैक्सिमम पानी आता है। ठीक है, अगर बात करें कंट्रोलर की, कंट्रोलर में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, किसान सबसे ज्यादा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कंट्रोलर लें, क्या काम होता है इनका। तो नॉर्मल कंट्रोलर और यूनिवर्सल कंट्रोलर, इनका काम क्या होता है, कौन से किसान को कौन सा लेना चाहिए? जैसे कि सरकार की स्कीम में ये बताया हुआ है, एक सामान्य कंट्रोलर और यूनिवर्सल कंट्रोलर, दो तरीके के कंट्रोलर होते हैं। बिल्कुल, नॉर्मल कंट्रोलर में आप सिर्फ अपना सोलर पंप चलाते हो, यूनिवर्सल कंट्रोलर में सोलर पंप के साथ साथ आप कुछ घरेलू इक्विपमेंट भी चला सकते हैं जो खेती से रिलेटेड होते हैं, 3-phase वाले। ठीक है, जैसे आटा चक्की हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, घास काटने की मशीन हो गई, इस तरीके के 3-phase के कंट्रोलर, 3-phase की चीजें आप चला सकते हो यूनिवर्सल कंट्रोलर से। तो ये दो तरीके के कंट्रोलर होते हैं भाई साहब। ठीक है, तो मैं यही ये पॉइंट भी मैं आपसे पूछने वाला था कि जो हम घर पर उपकरण प्रयोग करते हैं तो वो कौन कौन से चला सकते हैं, केवल 3-phase वाले चला सकते हैं? केवल उसमें 3-phase वाले चला सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सिंगल फेज का भी आपको एक कनेक्शन निकाल के दे। ठीक है, लेकिन उसमें एक छोटा सा आपका इन्वर्टर चल पाएगा, ये हम कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज। इसके बाद में बात करें मोटर का, तो मोटर किसान को एक अति समर्सिबल, एक मोनोब्लॉक, तो कौन सी मोटर आप देते हो, कौन से HP के साथ में, कौन सी किसान को लेनी चाहिए? एक मैं यहाँ पर और मेरा पॉइंट ऐड करूँगा, वाटर लेवल कहीं पर कम है तो कहीं पर ज़्यादा है, तो वाटर लेवल के हिसाब से मोटर का चुनाव कैसे करें, कौन सी ज़्यादा बेनिफिट देगी? इसमें सर ऐसा होता है कि समर्सिबल और मोनोब्लॉक दो तरीके की मोटर होती है। मोनोब्लॉक को हम जमीन पर रख के पानी को खींचते हैं, ये इसमें ज़्यादा पानी आता है, मतलब इसका प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, तो अगर किसान को ज़रूरत, उसका वाटर लेवल अगर ऊपर है तो मोनोब्लॉक खरीदे, मोनोब्लॉक ले स्कीम में। अगर वाटर लेवल उसका कम है, 23 फीट से नीचे जाता है, मतलब मैक्सिमम 7 मीटर होता है, सक्शन जो हेड होता है उसका 7 मीटर होता है, 7 मीटर हेड से अगर नीचे जाता है तो उसको समर्सिबल लेना चाहिए। समर्सिबल में फिर आप 30 मीटर हेड, 50 मीटर हेड, 70 मीटर हेड, 100 मीटर हेड, मतलब 320 फुट तक पानी खींच सकता है समर्सिबल पंप। ठीक है, मोटर के साथ में जो आप हेड बता रहे हो, अलग अलग इंच अलग अलग हेड होते हैं, तो हेड का क्या चक्कर होता है? ये हेड थोड़ा सा जरूर हेड वाटर लेवल पे, वाटर लेवल नॉर्मल हरियाणवी भाषा में चौवा बोला जाता है, तो वाटर लेवल जितना होता है उसके हिसाब से ही हम सिलेक्शन करते हैं। बिल्कुल, पहले साइट सर्वे होता है, किसान से पूरी जानकारी ली जाती है, उसके बोर की आजू बाजू का जो वाटर लेवल है सब पूछा जाता है, उसके बाद उसका हेड डिसाइड होता है कि कितने हेड का उसको देना है। ठीक है, तो सर आप ये बताइए, जो किसान भाई पुराने जो बोर यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी ट्यूबवेल है, अगर सोलर पंप लगवाता है तो क्या उनको नया बोर करवाना पड़ेगा, कितने इंच का करवाना पड़ेगा, या फिर पुराने के ऊपर भी सेटअप हो सकता है? पुराने ऊपर भी सेट हो सकता है, अगर उनके पास बोर है तो बोर कराने की जरूरत नहीं। समर्सिबल पंप में कम से कम उसको 8 इंची बोर करवाना जरूरी होता है, 8 इंची बोर उससे उसका समर्सिबल चला सकता है।
8 इंच अगर है तो चल जाएगा, चल जाएगा। अगर 8 से कम है तो नया करवाना पड़ेगा, वो नया करवाना पड़ेगा, नया बोर करवाना पड़ेगा। कंपनियों के फॉर्म किसान भाई भर देता है तो उसको सारा सेटअप आप देते हो, कंपनी क्या क्या चीजें देती है और किसान को क्या करना पड़ता है? देखो बेसिकली ये पीएम कुसुम स्कीम है, सरकार की संयुक्त स्कीम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। इसमें 75% की सब्सिडी दी जाती है, 25% फार्मर का अंश होता है इसमें, ठीक है। मामूली सा शहर है किसान का, इसके आधार पर सिंपल सरल केंद्र पे जाके, सरल पोर्टल पे जाके किसान को आवेदन करना रहता है, जो उसके पसंद का चयन है वो कर लेता है। आप सिलेक्ट करो, पंप सिलेक्ट हो जाएगा, 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका पंप लग जाएगा। किसान के यहाँ सिर्फ बोर की आवश्यकता है, हमें बोर की ढुलाई करके, कैविटी करके, बोर तैयार करके दे किसान, हम उसको पानी निकाल के देंगे, सारा सेटअप लगा के देंगे, ठीक है। किसान को केवल बोर करवाना है, उसके बाद में पूरा सेटअप जो है कंपनी का रहेगा। जी जी। इसका जो हम जो मोटर से ऊपर जो नाड़ बोलते हैं हरियाणा में, जो पाइप बाहर आता है वो कितनी फिट का देती है कंपनी? वो बेसिकली अलग अलग हेड पे अलग अलग होता है। अगर वो गहराई से पानी खींचना है तो उसका जो डाया है वो कम हो जाएगा, आउटपुट जो डिलीवरी आएगी HDPE वाली उसका डाया कम हो जाएगा। अगर उसका चौवा ऊपर है तो उसको 4 इंच का पानी मिलेगा, फिर बीच में जाता है तो 3 इंच मिलेगा, अगर ज्यादा गहरा जाता है तो 2 इंच मिलेगा, ठीक है। काफी किसान भाई जो धान उगाते हैं वो खुला फ्लड इरिगेशन करते हैं, खुला पानी चलाते हैं। जो मोटर वाली जमीन है, जैसे भिवाणी एरिया है, महेंद्रगढ़ एरिया है, जहाँ पर हल्की जमीने हैं, फुहारे से सिंचाई होती है मेनली या फिर ड्रिप से सिंचाई होती है, तो फुहारे के लिए कौन सी मोटर ज्यादा कामयाब है, कौन सा हेड का चुनाव करना चाहिए, खुले के लिए कौन सा? फुहारे के लिए वैसा वैसा है कि 50 मीटर से 70 मीटर हेड का पंप ज्यादा कारगर होता है फुहारे चलाने में, ठीक है। तो यही बताना चाहूंगा, 50 से 70 मीटर के लगभग का पंप वो चयन करें, ठीक है। अगर आप हमारे से पानी लगाते हो तो 50 से 70 इंच का हेड कामयाब रहेगा। तो इस प्रकार से सोलर पैनल का जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको दी। किसान भाइयों, अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट करें, अगले वीडियो में वो कवर किया जाएगा। सर, आपने किसानों को इतनी अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।